रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू, जिसके लिए मैंने ये 2 टेबल स्पून घी डाला है। अब इसमें ये 2 कप नारियल है घिसा हुआ, ये डाल दूँगी और इसको हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर। 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। 3 मिनट मैंने ये फ्राई कर लिया है, तो अब इसमें मैं ये 1/2 कप चीनी डाल दूंगी। चीनी हसबे जायका है। अब इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये चीनी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगे। चीनी हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है, तो ये 1 कप इसमें मैं दूध डाल दूंगी। और ये साथ ही 1/2 कप ऑप्शनल है ड्राई मिल्क डाल देंगे, मिल्क पाउडर। पहले मैंने फ्लेम लो रखा हुआ था, अब मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। मैंने 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको स्टर कर लिया है। अब इसमें ये 1 टीस्पून क्रश्ड इलायची है, ये डाल दी है। अब 2 मिनट और इसको चला लेंगे। इसको 2 मिनट मैंने और स्टर कर लिया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसको थोड़ा सा इसको ल्यूक वार्म होने देंगे, नीम गरम हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू बनाएंगे। ये ल्यूक वार्म हो चुके हैं, तो मैंने इनको 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया है। एक में मैं ग्रीन फूड कलर मिलाऊंगी और एक में रेड। इसे बिल्कुल 1 पिंच डाल देंगे ताकि कलर जो है वो डार्क ना हो। इसको मिक्स करेंगे। ग्रीन मिल चुका है, अब रेड मिलाऊंगी। बस ये 1 पिंच इसमें डालूंगी, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने रेड भी मिला लिया है, हल्का सा पिंक अच्छा लग रहा है। अब इसके लड्डू बनाएंगे। इसको हाथों में लेंगे, ये अभी ल्यूक वार्म ही है। जितना भी लड्डू बनाना हो आपको हाथों में लेंगे और ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसको लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितने आराम से बन रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में। देखिए कितना अच्छा लड्डू बन गया। इसी तरह से बाकी सारे लड्डू भी बना लेंगे। इतना ज़बरदस्त सा लड्डू बन गया ना। अब इसको इसमें जो कोकोनट पाउडर है इसमें इसको कोट कर लेंगे। ये देखें, इसको कोट कर लिया। इसी तरह से मैंने ग्रीन भी बना लिया था, ग्रीन को भी कोट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा लड्डू तैयार है। ये बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है और बहुत जल्द तैयार होने वाली है। और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं, और जैसे ये देखने में अच्छे लग रहे हैं वैसे ये खाने में भी मज़ेदार हैं। और मैंने ये वाइट भी बना लिया था, तो यकीन आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और खुश रहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।